अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली के 6 स्टूडेंट्स का प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम के लिए हुआ सिलेक्शन। इन रिसर्चर को दिसंबर 2020 ड्राइव के लेटर एंट्री स्कीम के तहत पीएम रिसर्च फेलोशिप में सिलेक्शन हुआ है। पीएम रिसर्च फेलोशिप में सिलेक्ट होने वालों में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की फौजिया तबस्सुम और मोमिना, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से अजरा मलिक, सेंटर फॉर नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के फिरोज खान, सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन बेसिक साइंस की आलिया तैयब और सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन साइंस की आशिया सैफ शामिल हैं। इन रिसर्चर को पीएम रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम में सिलेक्ट होने पर जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि 2018 में भारत सरकार ने टैलेंटेड स्टूडेंट को रिसर्च के फील्ड में लाने के लिए पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत चुने गए स्टूडेंट को आईआईटी और देश के दूसरे बड़े सरकारी संस्थानों में पीएचडी के लिए डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। फेलोशिप के लिए सिलेक्ट हुए हर स्टूडेंट को रिसर्च करने के लिए हर महीने अच्छी खासी रकम वजीफे के तौर पर मिलेगी। आपको बता दें कि आगे आने वाले दौर में सबसे ज्यादा डिमांड रिसर्चर की होगी। दुनिया में आए दिन नई खोज हो रही है, इसलिए अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रिसर्च की फील्ड की तरफ उभारें, उनके दीन और दुनियावी दोनों पढ़ाई की तरफ ध्यान दें ताकि आगे चलकर वो दीन और दुनिया दोनों में तरक्की कर सकें। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।